हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज से मैंने कुछ दिन पहले विजविस नाम का एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि एक लड़की की कहानी है जिसे गलती से जेल में डाल दिया गया था। मैंने उस वीडियो में विजविस के पहले सीजन को एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आइए अब यहाँ से सीजन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम विजविस के सीजन 2 की इस कहानी में देखेंगे कि क्या मैक्रोना जेल से निकल पाई, येलेंडा के 9 मिलियन डॉलर किसको मिले, जूलिया यहाँ पर और कौन कौन से क्राइम करेगी, क्या डॉक्टर कार्लोस की सच्चाई सबके सामने आएगी, ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। तो इस सीजन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से खत्म हुई थी। मैट और लियो को उस ट्रेलर में टॉम नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेलर में एक बुकलेट था जिसको वे दोनों अपने साथ में ले लेते हैं। जेल में मैक्रोना एना से प्रॉमिस करती है कि वो उसके पैसे वापस लौटा देगी, लेकिन एना को वो अपने से दूर रहने को कह देती है। मैक्रोना को प्रोटेक्ट करने के लिए वैन उसके साथ ही सोया करती थी और रात को वैन मैक्रोना को किस भी करती है क्योंकि वो लेस्बियन थी, जो कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। लेकिन मैक्रोना वैन को उसके और क्लोज आने से मना करती है, तो इसलिए वैन खुद से ही खुद को सेटिस्फाई करती है। अब अगले दिन मिरांडा मैक्रोना को जेनेटिक टेस्ट के बारे में बताती है, जिससे कि मैक्रोना के अनबोर्न बेबी के पिता का पता चल जाएगा और उससे मैक्रोना की सजा कम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मैक्रोना को डॉक्टर कार्लोस के साइन चाहिए होंगे, जिस बात से मैक्रोना परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर कार्लोस बिना किसी फेवर के उसकी मदद नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिरांडा के ऑफिस से जाने से पहले मैक्रोना को पुलिस ऑफिसर एडम की बातों से ये पता चल जाता है कि टॉम जूलिया को जेल से निकालने की कोशिश कर रहा है और यही बात मैक्रोना अपने पिता मैट को कॉल करके बता देती है। दूसरी तरफ लियो और मैट को भी समझ आ गया था कि उसी 9 मिलियन डॉलर से वे लोग मैक्रोना को जेल से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए उनको टॉम को किडनैप करना होगा। एरिका भी यहाँ पर मैट को मैक्रोना को जेल से निकालने के लिए पैसे लाने के लिए फोर्स कर रही थी और इसीलिए लियो बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एडम की बातों से हमें पता चलता है कि जूलिया को जल्द ही कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि शायद उसी समय जूलिया टॉम के साथ भाग जाएगी। इधर जूलिया और एना का किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और जूलिया आयरन से एना का हाथ जला देती है। हम देखते हैं कि एंटोनियो को थोड़ी देर के लिए जूलिया के पास जाने से रोकने के लिए सेलेना एंटोनियो को अपनी बॉडी दिखाती है और कुछ ही देर के बाद में मैक्रोना डॉक्टर कार्लोस से जेनेटिक टेस्ट की परमिशन के लिए साइन लेने जाती है। लेकिन डॉक्टर कार्लोस मैक्रोना को यह कहकर मना कर देता है कि यह टेस्ट प्रेगनेंसी के 16 हफ्तों में होता है और मैक्रोना की प्रेगनेंसी को अभी 11 वीक ही चल रहा है। मैक्रोना को पता था कि बिना किसी सेक्सुअल फेवर के कार्लोस उसकी मदद नहीं करेगा, तो इसीलिए मैक्रोना कार्लोस के सामने नेकेड हो जाती है। लेकिन कार्लोस मैक्रोना की इंसल्ट करके उसको वहां से भगा देता है। यहाँ पर सीसीटीवी पर फेबियो मैक्रोना को नेकेड नोटिस करता है और वो इस बारे में मैक्रोना से पूछता है, तो मैक्रोना फेबियो को कार्लोस के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से वो वहां पर कैदियों का फायदा उठाता है और बातों ही बातों में फेबियो मैक्रोना को किस करता है। लेकिन दोनों इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि सीसीटीवी के जरिए एंटोनियो उन पर नजर रखे हुआ था। फिर उसके बाद फेबियो कार्लोस इस बारे में बात करते हैं, लेकिन कार्लोस उल्टा मैक्रोना को ही मेंटली डिस्टर्ब बताता है। फेबियो यही बात मेट से पूछने जाता है, तब उसे पता चलता है कि कार्लोस झूठ बोल रहा है, मैक्रोना को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। इधर जूलिया जेल से भागने का प्लान बना रही थी और उसके धर्म में जेल से बाहर निकलने के लिए खुद को प्योर करना होगा और जूलिया जेल के अंदर ऐसा ही करती है। उसके बाद जूलिया लीजा की मदद से स्टीमर से खुद को चला लेती है और जेल की अथॉरिटीज जूलिया को जेल की ही एक मेडिसिन सेक्शन में लेकर जाते हैं। फेबियो यहाँ पर जब मैट के घर पर था तो उसी टाइम फेबियो को जूलिया के इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। तब मैट को समझ आता है कि हॉस्पिटल जाने के बहाने जूलिया टॉम के साथ में भागने का प्लान बना रही थी। जेल के पास दो ही हॉस्पिटल थे जहाँ पर चमड़ी के जलने का ट्रीटमेंट हो सकता था, तो टॉम जूलिया को जेल और हॉस्पिटल के बीच के उन्हीं रास्तों में से भगा सकता है। जेल और हॉस्पिटल के बीच में एक ब्रिज आता है और ठीक उसी समय पुलिस को मारकर जूलिया को भागने का टॉम का प्लान था। दूसरी तरफ फेबियो जब फिर से कार्लोस से बात करने जाता है तो कार्लोस खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए मैक्रोना का एक वीडियो दिखाता है जहां पर वो अपनी पैंटी से ड्रग निकाल रही थी। कार्लोस के मुताबिक मैक्रोना अपना काम निकालने के लिए किसी के साथ भी इंटीमेट होती है और मैक्रोना का फीमेल प्रिजनर्स के साथ भी इंटीमेट रिलेशनशिप था। ये वीडियो देखकर फेबियो का मैक्रोना पर से विश्वास टूट जाता है और मैक्रोना के साथ में अपने सभी रिश्तों को तोड़ देता है। इधर जूलिया सोच रही थी कि हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही रास्ते में टॉम उसे भगाकर ले जाएगा, लेकिन जूलिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है और टॉम को ब्रिज के पास मैट और लियो पकड़ लेते हैं और उसे गन पॉइंट करके डिक्की में बंद करके डाल देते हैं। मैट ने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी तो इसी कारण उसको हार्ट अटैक आ जाता है और मैट को हॉस्पिटल ले जाने से पहले
लियो कार की डिक्की खोलता है, तब टॉम उसे लात मारता है, तो इसीलिए लियो टॉम के एक पैर में एक गोली मार देता है। दूसरी तरफ आज जेल की अथॉरिटीज जेल में कैदियों को एक मूवी दिखाने वाली थी और सभी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। उसी दिन टेरेसा को मिलने जेल में उसका बॉयफ्रेंड आने वाला था, तो इसीलिए वो भी बहुत अच्छे से रेडी होती है। सेलेना को भी मैकरोना और वेन के इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, तो इसीलिए सेलेना मैकरोना से लड़ने लगती है और ऐसी लड़ाई में मैकरोना के हाथों जेल का टीवी टूट जाता है और तब इस गलती के लिए मिरांडा मैकरोना और सेलेना को जेल का काम करने की सजा देती है, लेकिन जेल में शांति रहने के लिए मिरांडा उन दोनों को सजा नहीं देती है। फिर दूसरी तरफ लियो मैट को हॉस्पिटल में छोड़कर घर के गैराज में जख्मी टॉम को बांध देता है और एरिका और लियो उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि मैट को स्ट्रोक आया है, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक मैट बात नहीं कर सकता है। अब घर आने पर लियो टॉम के पैर से बुलेट को निकालने लगता है, नहीं तो खून बहने के कारण टॉम की मौत भी हो सकती थी। फिर दूसरी तरफ टीवी तोड़ने के कारण सभी प्रिजनर मैकरोना से गुस्सा थे, क्योंकि उसी की वजह से वे लोग बहुत दिनों के बाद मूवी नहीं देख पाएंगे। प्रिजनर मैकरोना को बहुत परेशान भी करने लगे थे और फैबियो ये सब देख रहा था, लेकिन वो मैकरोना की कोई भी मदद नहीं करता है। फैबियो का ये बिहेवियर देखकर एंटोनियो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। दूसरी तरफ जूलिया एक डॉक्टर लूना को एक कैंची से डराकर उससे फ़ोन मांगती है ताकि वो टॉम से कॉन्टैक्ट कर पाए, और डॉक्टर लूना के फ़ोन से जूलिया टॉम को कॉल करती है। तब फोन एरिका उठाती है और तब जाकर जूलिया को टॉम के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है कि टॉम को मैकरोना की फैमिली ने किडनैप करके रखा हुआ है और जख्मी भी है, और तो और जेल से भागने का जूलिया का प्लान भी खराब हो चुका था। यहाँ पर जेल में सेलेना इस्माइल से बदतमीजी करती है, जिस वजह से इस्माइल सेलेना पर हाथ उठाने वाला था, और तब मैकरोना सेलेना के लिए अपना स्टैंड लेती है और इस्माइल को सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताती है, जिसमें उसकी सभी हरकतें रिकॉर्ड हो रही थी। मैकरोना को उसका साथ देता देख सेलेना मैकरोना को एक एडवाइस देती है कि मैकरोना जल्दी एक टीवी का इंतजाम करे, नहीं तो वहाँ के कैदी उसको जान से मार डालेंगे और ऐसा करने के बाद उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मैकरोना अपने पेरेंट्स और लियो को कॉल करती है, लेकिन वे लोग कॉल को नहीं उठाते हैं, और तब मैकरोना फैबियो से मदद मांगती है, लेकिन फैबियो तो उससे पहले से ही नाराज था, तो इसीलिए वो भी मैकरोना की मदद नहीं करता है। मैकरोना को प्रॉब्लम में देखकर वेन उसे एक फ़ोन देती है ताकि वो मदद के लिए कभी भी किसी को कॉल कर सके, लेकिन जब मैकरोना उस फ़ोन से किसी को टीवी के लिए कॉल लगा रही थी तो कॉल की बातें जेल के रेडियो में सुनाई देती है, और फैबियो को इसका पता चलते ही वो मैकरोना से उस फ़ोन को ले लेता है। मैकरोना फैबियो को बताती है कि फैबियो उसे गलत समझ रहा है और उसे जब इस बात का पता चलेगा तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। दूसरी तरफ लियो टॉम के पैर पर लगी गोली को निकाल नहीं पा रहा था और टॉम का बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। फिर इस तरफ हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर एडम को डॉक्टर लूना से पता चलता है कि जूलिया ने उस पर अटैक किया है, और वहीं पर एडम को मैट एडमिट दिखता है। उसे समझ आता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जूलिया और मैट एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हो, इसीलिए एडम मैट के घर पर जाता है और एडम को देखकर लियो थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि घर में ही उसने जख्मी टॉम को किडनैप करके रखा हुआ था। एडम को ब्रिज के पास से टॉम की कार मिली थी, जहाँ पर टॉम नहीं था, लेकिन उसे कार के पास में एक बुलेट मिलती है जो मैट के गन से चलाई गई थी। एडम एरिका से मैट की गन मांगता है अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। एरिका जब गन लेने के लिए गैराज में जाती है तो वहाँ उसे टॉम बंधा हुआ दिखाई देता है। एरिका इस बारे में एडम को कुछ नहीं बताती है और गन लेकर एडम को दे देती है। लियो देखता है कि उसकी माँ के सैंडल में टॉम का खून लगा हुआ है, और एडम ये देख पाता उससे पहले ही लियो खून के मार्क्स को साफ कर देता है। अब एडम के जाते ही एरिका टॉम का बुलेट निकालती है, क्योंकि एरिका पहले नर्स थी तो उससे बिना किसी प्रॉब्लम के बुलेट निकल जाती है। यहाँ जेल में मैकरोना की तरफ फैबियो का इतना रूड बिहेवियर देखकर एंटोनियो खुद ही टीवी देखकर मैकरोना की हेल्प करना चाहता था, लेकिन फैबियो उसे मैकरोना की हेल्प करने नहीं देता है, और यहाँ तक कि फैबियो एंटोनियो पर भी हाथ उठाने वाला था। हम यहाँ पर देखते हैं कि टेरेसा से मिलने उसका बॉयफ्रेंड अल्फांसो आता है, और टेरेसा उसको उसके सभी प्लान के बारे में बताती है जो वो जेल से बाहर निकलने के बाद में अल्फांसो के साथ में करना चाहती थी। लेकिन अब अल्फांसो टेरेसा के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसने अब क्राइम की दुनिया छोड़कर एक दूसरी लड़की के साथ में अपनी नई लाइफ को शुरू कर दी थी, और अब जेल में वो टेरेसा से ब्रेकअप करने के लिए आया था। अल्फांसो से ब्रेकअप करने के बाद में टेरेसा सह नहीं पाती है, और एना से लाया हुआ सारा ड्रग टेरेसा खुद ही खा लेती है। यहाँ पर मैकरोना को मिरांडा से उसके फादर के स्ट्रोक के बारे में पता चल जाता है, और अपने फादर की हालत के बारे में जानने के लिए मैकरोना बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। फिर जब मैकरोना अपने सेल में थी तो वहाँ पर बाकी प्रिजनर आकर टीवी को लेकर मैकरोना को पीटने लगते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद फैबियो को मैकरोना अपने सेल में जख्मी हालत में मिलती है।
जूलिया भी हॉस्पिटल से जेल आ चुकी थी और आते ही जूलिया मैक्रोना के ड्रिंक में अबॉर्शन की पिल मिला देती है और वही ड्रिंक जूलिया के कहने पर लीजा मैक्रोना को दे देती है और मैक्रोना उस ड्रिंक को पी भी लेती है। फिर जेल में आने के बाद में जूलिया को ये पता लगता है कि बहुत सारे कैदी की पावर बढ़ चुकी है और अब जूलिया से ज़्यादा लोग नहीं डरते हैं। अपने डर को फिर से बढ़ाने के लिए जूलिया सेलेना को अपने साथ में लेकर मैक्रोना के सेल में जाकर मैक्रोना को हॉस्टेज बना लेती है और मैक्रोना की एक फ़ोटो लेकर मेट को भेज देती है कि अगर उन लोगों ने टॉम को नहीं छोड़ा तो वो मैक्रोना को जहर मिलाकर मार लेगी। अपनी बेटी को जूलिया के पास हॉस्टेज देखकर मेट जूलिया को टॉम से बात करने देता है। उसी टाइम वहाँ पर एंटोनियो जूलिया को रोकने के लिए आता है लेकिन सेलेना पीछे से एंटोनियो पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। वेन मैक्रोना को बचाने के लिए उस सेल के अंदर जाती है लेकिन उससे पहले सेलेना उस सेल को बंद कर देती है। दूसरी तरफ मिरांडा डॉक्टर कार्लोस फेबियो और इस्माइल जेल और प्रिजनर को लेकर कुछ नए डिसीजन ले रहे थे। फिर उसी टाइम मिरांडा के वॉकी टॉकी पर जूलिया कॉन्टेक्ट करती है और जूलिया ने एंटोनियो के वॉकी टॉकी से मिरांडा को कॉन्टेक्ट किया था। तब मिरांडा को पता चलता है कि जूलिया ने जेल में मैक्रोना को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है और जूलिया के पास में एक गन भी है। फेबियो पुलिस को कॉल करना चाहता था लेकिन इस हंगामे से मिरांडा की जॉब को खतरा हो सकता था तो इसीलिए मिरांडा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने देती है। मैट को पता चल जाता है कि जूलिया पैसों के लिए मिरांडा को हार्म कर सकती है तो इसीलिए मैट जूलिया को डराने के लिए टॉम के पैरों को चोट पहुंचाता है और टॉम के चिल्लाने की आवाज़ जूलिया फ़ोन पर सुन पा रही थी। इस्माइल कुछ गार्ड को लेकर जूलिया को पकड़ने के लिए सेल में जाता है लेकिन जूलिया को उनके बारे में पता चल जाता है और वो गोली चला देती है और उस गोली से इस्माइल जख्मी हो चुका था। मैक्रोना जूलिया पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन सेलेना मैक्रोना को काबू कर लेती है। इधर मिरांडा की बात सुने बिना फेबियो पुलिस ऑफिसर एडम को जेल में बुला लेता है और एडम समझ जाता है कि यह सब मैक्रोना की फैमिली से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए एडम मेट को मिलने के लिए बुलाता है। टॉम भी अपना दर्द सहन नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए वो मेट को 9 मिलियन यूरोज उसने कहां पर छुपाए हुए हैं ये बता देता है। मेट जूलिया को कॉल करके बता देता है कि उसे पैसों के बारे में पता चल चुका है तो पैसे लाने तक जूलिया मैक्रोना को हार्म ना करे। फिर जेल में पहुंचकर मेट एडम को सब कुछ बता देता है कि उसने टॉम को किडनैप करके अपने घर में रखा है। मेट एडम से प्रॉमिस करता है कि वो टॉम को उसके हवाले कर देगा लेकिन उससे पहले वो अपनी बेटी मैक्रोना को सही सलामत देखना चाहता है। यहाँ पर पिल्स की वजह से मैक्रोना को ब्लड लॉस होने लगा था और उसका अनबोर्न बेबी उसके पेट में ही मार जाता है और इस वजह से सेलेना जूलिया से बहुत नाराज थी। उसने रॉबरी के लिए हाँ बोला था लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किसी का अनबोर्न बेबी मारा जाए। फिर सेलेना मैक्रोना की रस्सियों को खुलती है और उस रस्सियों से वो जूलिया का गला घोटकर उसे मारने वाली थी लेकिन उससे पहले ही पुलिस इंजेक्शन मारकर उसको बेहोश कर देती है। फिर डॉक्टर कार्लोस मैक्रोना की बेबी की हार्टबीट चेक करता है लेकिन बेबी तब तक मर चुका था। दूसरी तरफ एरिका गुस्से में टॉम की जान लेने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के फ्यूचर में कोई भी खतरा नहीं चाहती थी लेकिन किसी तरह लियो वहाँ पर आकर टॉम को बचा लेता है। फिर मैक्रोना जब होश में आती है तो उसे अपने बच्चे की मौत के बारे में पता चलता है जिससे कि उसको बहुत दुख पहुँचता है। फिर जेल के हॉस्पिटल रूम में मैक्रोना एक बिल्ली को नोटिस करती है जिसे देखकर उसे थोड़ी खुशी होती है। फिर कुछ देर के बाद में डॉक्टर कार्लोस मैक्रोना के पास में आकर उसके बच्चे के लिए दुख जताता है लेकिन मैक्रोना उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारती है कि अगर कार्लोस आज मैक्रोना को जेल के मदर यूनिट में भेज देता तो उसका बेबी जूलिया के हाथों नहीं मारा जाता। और कार्लोस को थप्पड़ मारते हुए सीसीटीवी में फेबियो उसे देख लेता है। दूसरी तरफ एडम के इंटरोगेशन करने पर भी मैट एडम को पैसों के बारे में कुछ नहीं बताता है और मैट ने पहले ही लियो को कॉल करके घर के सबूत मिटा दिए थे ताकि पुलिस को उसके घर में टॉम या टॉम का कोई भी सबूत ना मिले। एरिका ने टॉम को आज़ाद कर दिया था ताकि लियो और मैट पुलिस केस में न फंसे और उसी दिन लियो से मिलने उसकी बेटी मिनी और उसकी गर्लफ्रेंड सराया आती है और सराया और लियो की जल्दी शादी होने वाली थी लेकिन लियो उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लियो सराया और मिनी से प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी फ्री होकर उनके साथ में टाइम स्पेंड करेगा और सराया और मिनी को उनके घर भेजकर लियो पुलिस स्टेशन जाता है। लियो भी एडम को अपने फादर के हिसाब से ही बयान देता है जिसके बाद पुलिस उनको जाने देती है। पुलिस स्टेशन से आने के बाद में लियो ब्रिज के पास खड़ी टॉम की कार की तरफ चला जाता है जिसकी डिक्की में उसे येलेंडा की वो 9 मिलियन यूरोज मिल जाते हैं। टॉम जब कुछ देर के बाद में अपने अंकल मैथ्यू के साथ में अपनी कार लेने आता है तो उसे अपनी कार नहीं मिलती है क्योंकि उस कार को लियो पैसों के साथ में पहले ही लेकर जा चुका था। फिर अगले दिन सोले मैक्रोना को समझाती है कि उसे अपने बच्चे की मौत के लिए जूलिया से बदला नहीं लेना चाहिए नहीं तो बदले के चक्कर में कोई भी खुश और जिंदा नहीं रहेगा। जूलिया जानवर है लेकिन मैक्रोना को जूलिया की तरह जानवर बनने की जरूरत नहीं थी।
मैक्रोना भी सोले की बात को मान लेती है और फेबियो और एंटोनियो के साथ में पनिशमेंट सेल में जूलिया से मिलने जाती है और अपने बेबी के मर्डर को माफ़ कर देती है। लेकिन माफ़ी मांगने की वजह से जूलिया मैक्रोना पर ही गुस्सा होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कार्लोस मैक्रोना के बिहेवियर से नाराज होकर मिरांडा के सामने मैक्रोना को मेंटल पेशेंट बताता है और उसे ये भी कहता है कि मैक्रोना एक बिल्ली को इमेजिन करती है जो कि असली में है ही नहीं, तो इसीलिए उसको जल्दी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। दूसरी तरफ लियो और मैट को पता चलता है कि टॉम की कार में 9 मिलियन यूरोज नहीं बल्कि 7 मिलियन है, लेकिन जो भी हो वो इतने पैसों में मैक्रोना को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसी दिन टॉम उनको कॉल करके पैसे लौटाने को कहता है, नहीं तो वो उनकी फैमिली के लोगों को एक एक करके मार डालेगा। लेकिन टॉम की बात सुनने की बजाय लियो टॉम को बुरा भला कहकर उसके फ़ोन को काट देता है। फिर अगले दिन मैक्रोना वेन से मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन मैक्रोना के लिए ऐसा रिलेशनशिप नया था तो इसीलिए वो वेन से थोड़ा टाइम मांगती है। अब उसी दिन फिर से मैक्रोना को वही चेयर छत पर दिखाई देती है और वो पागल नहीं है इसे साबित करने के लिए मैक्रोना पाइप के ऊपर चढ़कर उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जेल गार्ड को ऐसा लगता है कि मैक्रोना भागने की कोशिश कर रही है, तो वे लोग मैक्रोना को पकड़कर जेल के हॉस्पिटल बोर्ड में ही बांध देते हैं। मैक्रोना अब भी उस कैट के बारे में बातें कर रही थी और तब कार्लोस मैक्रोना को एक मेंटल पेशेंट बताता है। मैक्रोना गुस्से में उसके ऊपर हाथ भी उठाती है और तब कार्लोस मैक्रोना को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद मैक्रोना को उसके सेल में सुला दिया जाता है। वेन को जब पता चलता है कि मैक्रोना को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा सकता है, तब वेन जेल में अनाउंसमेंट करती है कि जो भी उस बिल्ली को पकड़ कर लाएगा उसको 300 यूरोज मिलेंगे और उस कैट के जरिए वेन ये साबित कर सकती थी कि मैक्रोना पागल नहीं है। मैक्रोना फिर डॉक्टर कार्लोस के पास जाकर अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है और वो डॉक्टर कार्लोस की हर डिमांड पूरी करने के लिए भी रेडी हो जाती है, लेकिन वो मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। मैक्रोना अपनी पैंट खोलकर डॉक्टर कार्लोस के सामने लेट जाती है और कार्लोस मैक्रोना को ह्यूमिलेट करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पर फेबियो वहाँ पर आकर मैक्रोना को उसके सेल में भेज देता है। फिर उसके बाद फेबियो डॉक्टर कार्लोस को बहुत मारता है क्योंकि वो वहाँ के कैदियों को एब्यूज किया करता था और वो उसे जेल में डालने की बात भी करता है। फिर उसके बाद कार्लोस सीढ़ियों से खुद गिर जाता है ताकि ये चोटें उसको सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण मिली है। यहाँ दूसरी तरफ सेलेना और जूलिया के बीच में मैक्रोना की बेबी की मौत को लेकर पनिशमेंट सेल में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और अब दोनों ही दुश्मन बन चुके थे। इस तरफ सीसीटीवी में फेबियो को वो कैट नजर आती है जिससे उसे पता लग गया था कि मैक्रोना मेंटल पेशेंट नहीं है और फेबियो उस कैट की फुटेज मिरांडा को भी दिखाता है। दूसरी तरफ लियो और टॉम अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, तो इसीलिए वे लोग टॉम को पैसे लौटाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उसी दिन लियो को सबक सिखाने के लिए टॉम लियो के सामने उसकी बेटी मिनी को अपनी कार से एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद मिनी की मौत हो जाती है। अब अगले दिन वे लोग मिनी के फ्यूनरल में जाते हैं और इन सब के चक्कर में एक इनोसेंट बच्चे की जान चली गई थी। फ्यूनरल में भी टॉम उनको फ्लावर बेचकर उनका मजाक उड़ाता है। एडम मैट और लियो का पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे लग रहा था कि मिनी के मर्डर का बदला वो दोनों टॉम से लेंगे। इधर जेल में जूलिया पनिशमेंट सेल से बाहर निकलने के लिए मिरांडा को गवाही देने के लिए राजी हो जाती है कि उसने ये सब क्यों किया और वो गन उसके पास में कहां से आई, तो इसीलिए जूलिया को पनिशमेंट सेल से बाहर निकाला जाता है, जहां पर बाकी प्रिजनर जूलिया को देखकर उसे चाइल्ड किलर बोल रहे थे क्योंकि अब तक सेलेना ने सभी को बता दिया था कि जूलिया ने मैक्रोना के ड्रिंक में अबॉर्शन की पिल मिलाकर उसके बेबी को मार दिया था। अब रात को मैक्रोना वेन के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेन उसके साथ में ऐसा नहीं कर पाती है। फिर अगले दिन लियो मैक्रोना से मिलने के लिए आता है और तब मैक्रोना को पता चलता है कि टॉम ने लियो की बेटी मिनी को जान से मार दिया है और इसे सुनकर मैक्रोना को बहुत गुस्सा आता है। टॉम ने उसके भाई की बेटी को मार डाला था और जूलिया ने उसके बेबी को मार दिया था, तो इसलिए मैक्रोना जूलिया से बदला लेने का सोचती है। जूलिया जब बाथरूम में जाती है तो मैक्रोना पास के बाथरूम में जाकर वहां से जूलिया के गले में फांसी का फंदा डालकर उसका गला घोटने की कोशिश करती है। सेलेना जूलिया की इस हालत को देख लेती है लेकिन वो जूलिया को नहीं बचाती है, पर यहां पर वेन सही टाइम पर आकर मैक्रोना को रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैक्रोना कोई मर्डर करे। उसी रात फेबियो को टॉयलेट में सीमेंट के टुकड़े दिखाई देते हैं और उसे उसे देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगले दिन एंटोनियो को फेबियो की वाइफ गोया कॉल करती है क्योंकि फेबियो कल रात घर नहीं आया था और सीसीटीवी फुटेज से एंटोनियो को पता चलता है कि फेबियो जेल के बाहर नहीं गया है, वो जेल के अंदर ही कहीं पर है। सभी कैदियों को सेल के बाहर लाकर जेल में चारों तरफ फेबियो को ढूंढा जाता है, लेकिन फेबियो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से ये पता चलता है कि जब फेबियो बाथरूम गया था तो उसी समय लाइट चली गई थी और जब लाइट आई तब फेबियो बाथरूम में नहीं था। उसी दिन मैक्रोना को मिरांडा से पता चलता है कि जब उसका अबॉर्शन हुआ था
तब उसके बेबी से कार्लोस ने डीएनए लिया था और वो डीएनए मैक्रोना के बॉस एरिक से मैच हुआ था और कोर्ट ने मैक्रोना को कल बुलाया है। ये प्रूव हो चुका था कि मैक्रोना के साथ में एरिक का रिश्ता था, तो इसीलिए मैक्रोना को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैक्रोना को ऐसा लग रहा था कि वो जेल से बाहर जाना अब डिजर्व नहीं करती है क्योंकि उसने जूलिया को मारने की कोशिश की है। वेन मैक्रोना को समझाती है कि उसे जेल से बाहर जाकर अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए। फिर उसी दिन कार्लोस मैक्रोना को इन्फॉर्म करता है कि सोले के लिए एक हार्ट डोनर मिल गया है, तो सोले को हॉस्पिटल जाना होगा। और कुछ देर के बाद में कार्लोस सोले को बताता है कि हार्ट को अगर सही टाइम पर सोले की बॉडी में फिट नहीं किया जाएगा तो वो हार्ट किसी काम का नहीं रहेगा। सोले भी अपने जीने की सारी उम्मीद खो चुकी थी, तो इसलिए मैक्रोना सोले को बचाने के लिए मिरांडा से मदद मांगती है। तब मैक्रोना एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने की कोशिश करती है ताकि सोले को सही टाइम पर हॉस्पिटल भेजा जा सके और वहां पर जाकर उसका सही से हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए। इधर सीसीटीवी फुटेज से एंटोनियो को ये पता चलता है कि कार्लोस भी कल रात हॉस्पिटल में नहीं था, तो इसलिए फेबियो के गायब होने पर एंटोनियो कार्लोस पर शक करता है। लेकिन कार्लोस के मुताबिक उसे फेबियो के गायब होने के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसी दिन मैट के घर पर एक एनवेलप आता है जिसमें एक फ़ोन था और उस फोन में जूलिया के लॉयर चार्ली मैट को कॉल करता है। चार्ली जूलिया के डील को मैट के सामने रखता है कि जूलिया और टॉम उसकी फैमिली और मैक्रोना को कभी भी परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसके बदले में उनको सारे पैसे वापस चाहिए। मैट को पुलिस फॉलो कर रही थी, तो इसलिए लियो मैट की कार लेकर पुलिस को कंफ्यूज करता है और मैट सारे पैसे लेकर जूलिया के लॉयर चार्ली से मिलने के लिए जाता है, जहां पर चार्ली मैट को बताता है कि जूलिया को टॉम के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जूलिया को सिर्फ पैसे से मतलब है। और चार्ली मैट को टॉम का एड्रेस भी बता देता है। चार्ली को पैसा देकर मैट और लियो उसी एड्रेस पर टॉम को पकड़ने के लिए जाते हैं और इधर जूलिया भी कॉल पर टॉम से सारे रिश्ते तोड़ लेती है और तभी वहां पर लियो और मैट आकर उसे पकड़ लेते हैं। टॉम को समझ में आता है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया है और वो जूलिया को मारने की धमकी देता है। मैट टॉम को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन लियो टॉम को मारकर मिनी का बदला लेना चाहता था। लियो किसी खतरे में ना फंस जाए, तो इसलिए मैट खुद ही टॉम को गोली मारकर उसे जान से मार देता है। फिर इधर जेल के बाथरूम में भी पुलिस को फेबियो का ब्लड गिरा हुआ मिलता है और अगले दिन मैक्रोना कोर्ट में जाने वाली थी, लेकिन वेन के हाथों गलती से मैक्रोना की शर्ट में दाग लग जाता है। मैक्रोना उस दाग को साफ करने के लिए लॉन्ड्री रूम में जाती है, लेकिन वहां पर वो देखती है कि जूलिया अपने असिस्टेंट के साथ में दीवार में छेद करके वहां से भागने का प्लान बना रही थी। मैक्रोना इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता दे, इसलिए सेलेना मैक्रोना को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि जेल से भागने के लिए सेलेना अब जूलिया की फिर से दोस्त बन गई थी। एडम को टॉयलेट में सीमेंट के टुकड़े मिलते हैं जो कि वॉल में होल करने के कारण लॉन्ड्री रूम के पाइप से टॉयलेट तक आ चुके थे। पुलिस जब तक लॉन्ड्री रूम में आती तब तक जूलिया और बाकी सब उसी हॉल से दूसरी तरफ जा चुके थे। उस हॉल के सामने वॉशिंग मशीन रखने के कारण पुलिस को हॉल भी नहीं दिखाई देता है। उस दीवार के दूसरी तरफ पाइप था जहाँ से बाहर भागा जा सकता था और वहीं पर जूलिया ने फेबियो को बांध कर रखा हुआ था। फेबियो जख्मी हालत में था और उसको वहीं पर छोड़कर वे लोग पाइप से बाहर भाग जाते हैं। जूलिया ने मैक्रोना को भी अपने साथ में ले लिया था। दूसरी तरफ मिरांडा को समझ नहीं आता है कि मैक्रोना आखिर जूलिया के साथ में क्यों भागी, क्योंकि आज कोर्ट के सेशन के बाद मैक्रोना जेल से रिहा होने वाली थी और इसी के साथ में विजाविस यानी कि लॉक्ड अप का सेकंड सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीजन में हमने देखा कि 9 मिलियन पैसों के पीछे किस तरह कितने लोग पड़े हुए थे। मैक्रोना को जेल से बाहर निकालने के लिए वो पैसे मैक्रोना के फैमिली वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और जूलिया ने जेल से बाहर निकलने के लिए खुद को जला भी लिया था, लेकिन लियो ने टॉम को किडनैप कर लिया था और इसीलिए जूलिया उस बार जेल से निकल नहीं पाई। टॉम को टॉर्चर करके मैट और लियो ने उसके पैसे तो पा लिए, लेकिन उस पैसों को वापस पाने के लिए टॉम ने लियो की बेटी मिनी को मार डाला और जूलिया ने अपना बदला निकालने के लिए मैक्रोना के अनबोर्न बेबी को मार डाला। जूलिया को समझ आ गया था कि टॉम उसके लिए बाद में भी खतरा बन सकता है, तो इसलिए मैट के साथ डील करके उसके पैसे भी ले लिए और टॉम को भी मैट और लियो के हवाले कर दिया, जिसके बाद मैट और लियो ने टॉम को मार मार कर मिनी का बदला ले लिया। यहाँ पर साबित हो गया कि मैक्रोना फेक केस में फंसी है, तो उसको कोर्ट जेल से रिहा करने वाली थी, लेकिन गलती से वो जूलिया के एस्केप प्लान को देख लेती है और जूलिया मैक्रोना को भी अपने साथ में जेल से भगाकर ले जाती है। यहाँ पर फेबियो ने जूलिया का एस्केप प्लान देख लिया था, तो इसलिए जूलिया ने फेबियो को किडनैप करके दीवार के पीछे पाइप सिस्टम में बांध कर रखा था। तो अब अगले सीजन में हम देखेंगे कि फेबियो का पता किसी को चला या नहीं और मैक्रोना और जूलिया जेल से बाहर निकलने के बाद में क्या कदम उठाएंगे। दोस्तों, विजाविस या यू कहे तो लॉक्ड अप एक ऐसी सीरीज है जहां पर जेल के घिनौने रूप को दिखाया गया है कि किस तरह जेल का रहन सहन होता है, वहां पर कैसे लोग होते हैं और कोई नया व्यक्ति वहां पर चला जाए तो उसके साथ में कैसा व्यवहार होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना
और अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।